आज की जो कमेंट है वो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, जैसे कि भाई ने कमेंट की है, मार्टिन शेख साहब की कमेंट है, आप पढ़ लें कि भाई 2 दिन से कबूतरी के पेट में अंडा अटक गया है, कैसे निकाले। बहुत सारे भाई जो कबूतर पालते हैं 100 में 1 केस ऐसा हो जाता है, या फिर किसी किसी के यहाँ 1000ों में होता है, हर किसी के यहाँ ऐसा केस नहीं होता कि कबूतरी के पेट में अंडा अटक जाए, मगर कभी कभार हो जाता है। अब भाई लोगों को ये नहीं पता कि कबूतरी के पेट में अगर अंडा अटक गया तो उसको कैसे निकाले, आज की कमेंट भी भाई ने ऐसे ही की है कि भाई 2 दिन से कबूतरी के मादी के पेट में अंडा अटक गया कैसे निकाले। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा, अगर उस तरीके से आपने कबूतरी के पेट से अंडा निकाला बिना किसी तकलीफ के अंडा निकल जाएगा, आपकी कबूतरी मरने से बच जाएगी। भाई वीडियो लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी कमेंट पे आपका भाई आधी रात को भी वीडियो बना लेगा। ठीक है, तकलीफ ये है भाई कि मादी के पेट में अंडा अटक गया है, तो भाई अगर मादी के पेट में अंडा अटक गया है, कब अटकता है, जब मादी या तो पहली बार हो, ठीक है, पहली बार जोड़ा लगाया पट्टी ने, पहली बार मादी हो तो अटक जाता है कभी कभार। अब मादी क्या होता है कि बहुत सारे केस में अपने अंदर अंडा गला लेती है, मगर अंडा कब तक गलाती है, जब तक अंडे का खोल जो छिलका है वो कड़क नहीं हो, टाइट नहीं होगा, नरम रहेगा तो वो गला लेगी केमिकल रिएक्शन करके। बाकी अगर वो कड़क हो गया, देने जैसी सिचुएशन में आ गया कि बस अभी दे सकती है, तो वो नहीं गला सकती, ठीक है, कड़क होने के बाद नहीं गला सकती, क्योंकि उसको तकलीफ हो जाएगी। अब कबूतरी के पेट में अगर अंडा फूट जाता है तो आपकी कबूतरी बीमार हो जाएगी या मर जाएगी, तो उसको कैसे निकालें, आज मैं आपको कबूतरी के पेट से अंडा निकालने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, भाई ये है बच्चा, ठीक है, अपने कबूतर का बच्चा है, अभी छोटा है, तो भाई इस बच्चे को आप समझो मादी। अब आपकी कबूतरी के पेट में जो अंडा अटका है, थोड़ा पास है, ठीक है भाई, इस काम में आप कबूतरी को पकड़े ऐसे, ठीक है, पकड़ लिया, अंडा अटकता है यहाँ पर, ये जो नरम जगह है यहाँ पर अंडा अटकेगा, ठीक, तो आप ऐसे जब हल्का हाथ लगाओगे तो उसका अंडा महसूस होगा। अब आपको क्या करना है, दोनों पांव ऐसे रखना है, कबूतरी को उल्टा करना है, ठीक है, कबूतरी ऐसे उल्टी की, और ये दोनों अंगूठे, एक ये और एक ये, दोनों अंगूठों से कबूतरी के अंडे को धीरे 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 आगे की तरफ ऐसे धकेलना है, हल्का 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 हल्का, अंडा आपके हाथ में महसूस होना चाहिए कि हाँ ये अंडा है, तो उस अंडे को इधर से पीछे से, ना कि उधर आगे से नहीं, आपको ऐसे पीछे से अंडे को धकेलना है। तो जैसे ही आप धीरे 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 ये अंडे को धकेलोगे, अब यहाँ पर होती है इसकी हड्डी, कौन सी, वो पूंछ वाली हड्डी जो इस आकार की होती है, ठीक है भाई, ये वाली, वहाँ तक आपको ले जाना है धीरे धीरे कबूतरी की, ये अंडे को इस हिसाब से हल्के हल्के धका के अंडे को ले जाना। आपके हाथ में अगर कबूतरी में अंडा फंसा है तो आपका हाथ में भी लगेगा, कबूतरी थोड़ी ये मान के चलिए सुस्त सी बैठी रहेगी, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कबूतरी अंडा देने वाली थी, कबूतर उसको बार बार दौड़ा रहा था, बाकी ये अंडा देने की वजह ताकत लगा रही है, अंडा नहीं आ रहा है, वो बहुत कोशिश कर रही है अंडा देने के लिए, बाकी घोंसला छोड़ के भी नहीं कहीं जा रहे, अंडा नहीं निकल रहा है, तो अंडा अटक गया, आप धीरे से चेक कर ले, चेक हो गया कि अंडा तो है, बाकी कबूतरी में से निकल नहीं रहा, ऑटोमेटिक कबूतरी के पेट में फंस गया, तो उसको आप धीरे 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 निकाल सकते, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, ज़्यादा जोर से नहीं दबाना,
कबूतरी के पेट में अंडा फूटा, कबूतरी मर भी सकती, बीमार भी हो सकती। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।